जोगा पर गांव सिसाना से खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से मैं सब क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि होली के त्यौहार को कम से कम अपने रंगों को यूज करें और मास्क जरूर लगाएं। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। खौदा में धूमधाम से मनाया गया शहीद दिवस। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह युवा कमेटी द्वारा गांव सैदपुर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों की मूर्ति स्थापना कर माल्यार्पण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ब्लॉक समिति चेयरमैन राजबीर झरोट रहे। इस अवसर पर राजबीर चेयरमैन ने कहा कि इन शहीदों ने भारत देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की आहुति दी, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम सबको हमेशा इन तीनों क्रांतिकारियों को याद रखना चाहिए। शहीद भगत सिंह युवा कमेटी प्रधान संदीप उर्फ मुनु ने बताया कि 3 वर्ष पहले इस कमेटी का सैदपुर गांव में गठन किया गया और इन कमेटी में सैकड़ों की संख्या में सदस्य जुड़ चुके हैं। इस कमेटी द्वारा 15 अगस्त व 26 जनवरी को भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आज 23 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गांव सैदपुर खरखौदा में कार्यक्रम आयोजित कर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें पूरे सैदपुर गांव के अलावा कई अन्य गांवों के ग्रामीणों व शहीद भगत सिंह युवा कमेटी का पूरा सहयोग रहा। इस मौके पर सरपंच धर्मेंद्र, उमेद फौजी, प्रमोद ठेकेदार, सतपाल फौजी, डॉक्टर हरविंदर उर्फ हरी, नीरज, गुलशन, कर्मवीर फौजी, अमित, विक्की, अन्य आदि मौजूद रहे। आज शहीदी दिवस है और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। वो कहते हैं के 3 अस्थिया उड़ी तो आसमान रो पड़ा, ये 3 हंस रहे थे लेकिन हिंदुस्तान रो पड़ा। तो इन लोगों ने हमारे लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो कोटि कोटि मैं इन अस्थियों को नमन करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि हर साल शहीदी दिवस मनाएं और इन लोगों का इतना मान सम्मान करें और इनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। मेरी आप लोगों से यही विनती है, यही अनुरोध है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, जो आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं, वह इन्हीं तीनों हस्तियों की, इन्हीं की देन है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि इनका मान और सम्मान जब तक जिएंगे, जब तक करेंगे, और ये जो युवा पीढ़ी है, हम इनके अंदर भी ये संस्कार पैदा करें कि जिन लोगों ने हमारे लिए अपनी जानें दी और शहीद हुए, तो उनको हम समय पर याद करें और उनको नमन करें। जय हिंद, जय भारत। मैं संदीप गांव सैदपुर से अपने गांव की तरफ से और सभी नौजवान साथियों की तरफ से आज गांव सैदपुर में शहीद भगत सिंह युवा कमेटी के सदस्यों की ओर से और हमने अपने गांव में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में तीनों शहीदों की मूर्ति स्थापना करी और झंडारोहण किया और मुख्य अतिथि के तौर पर राजवीर दहिया जी चेयरमैन जो थे वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे। और हम कहते हैं, सभी को ये अपील करते हैं कि शहीद दिवस पर या हर कोई कार्यक्रम पर इन तीनों शहीदों को सम्मानित किया जाए, इनको याद किया जाए। हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।